हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और आज फिर से नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो पुराने व्लॉग्स गए तो काफ़ी रौनक वाले गए, क्योंकि सब लोग आ गए थे। दीदी, जिया जी और भी भाई, और हर्ष भैया, यश भैया, तुषार, ओम, वो आए पहले, फिर वो आए, तो मतलब सब लोग थे व्लॉग्स में। तो काफ़ी मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब सब लोग आते हैं तो अच्छा ही लगता है। और घर में भी आज वैसे ही शांति शांति सी, कोई भी नहीं है। मम्मी नहाने गई हैं, मैं अपना काम करके फ्री हो गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ पेशेंट देखने जाने के लिए, है ना। सीए साहब भी जा चुके हैं और मैं भी, मतलब वही अपना सुबह का जो काम होता है वो सारा हो गया। मम्मी नहाने गई हैं और सब लोग तो कल अपने अपने घर चले ही गए थे, तो आज घर में काफ़ी शांति, एकदम सूना सूनापन सा लग रहा है। प्रियांक भी स्कूल चला गया और अभी बस मैं भी पेशेंट देखने निकलूंगी और प्रियांक मेरे से पीछे ही आएगा, मतलब मैं उससे पहले निकल जाऊंगी और फिर प्रियांक आएगा। पापा भी नहीं है यहाँ पर, और तो वही मैंने कहा चलो व्लॉग की शुरुआत तो करते ही हैं। पर आज बड़ा ही मतलब एक अकेलापन सा जो हो जाता है ना, कि कोई है नहीं, जैसे दीदी के साथ, बच्चों के साथ, कभी किसी के साथ कर रहे थे, तो वो 2-3 दिन का जो वो रहा वो काफ़ी मज़ेदार रहा। अब हम अपने नॉर्मल जो हमारे घर की या हमारी जो नॉर्मल अकेले अकेले वाली लाइफ है, अकेले के लिए मतलब वही हम 4-5 लोगों वाले, वही शेयर करेंगे। तो मुझे लग रहा है मम्मी आ गई है नहाकर, अभी अभी आएंगे आएंगे मम्मी देखने आई है कि कर क्या रही है, अकेले आई है देख के और आगे बढ़े। आई ऐसे ऐसे व्लॉग बनेगा, तुम दुपक जाओगी तो घर में दो ही तो लोग हैं दो ही तो लोग हैं, अब ऐसे कैसे बनेगा। तो मैंने आज ना, मतलब मैंने कहा चलो तभी थोड़ा टाइम था और इधर मेरा पर्स रखा था बेड पे, तो मैंने कहा मैं ऐसे बेड पे बैठ के शुरू कर देती हूँ। और क्योंकि फिर हमेशा ही ना अधिकतर शुरू कहाँ पे करती हूँ, गाड़ी में। तो गाड़ी में ये भी है, मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा रिस्क तो है ना, तो और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए कोशिश अब मैं ये करूँगी कि स्टेबिलिटी पे जहाँ रहो वहाँ पे ब्लॉक करो। हाँ थोड़े बहुत ऐसे ले लिया तो वो ठीक है, पर ये नहीं कि आप चलाते 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 ज़्यादा करो। ये मैं कोशिश करूँगी अब, तो 100% तो नहीं कह सकती, ठीक है। और तो बस मेरे को यही बताना था, आप देखते हैं दिन की शुरुआत तो मैंने आपके साथ कर ही दी है। दिन की क्या, आधा दिन तो निकल गया काम वाला, अब काम में तो वही काम है डेली के डेली, है ना। तो चलिए आप चलते हैं पेशेंट देखने और फिर करते हैं जो करते हैं। और पेशेंट भी आज इतने ज़्यादा नहीं है, आज कुछ पेशेंट्स की छुट्टी है, 2 पेशेंट हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी पेशेंट देख के और फिर उसके बाद शाम को मतलब आऊंगी तब से। गाइस अभी मैं बंद करके बैठी और मम्मी आई, तो मम्मी कह रही हैं कि मैंने वीडियो में बोला ना 2 पेशेंट हैं, जल्दी आ जाऊंगी, तो मम्मी कह रही हैं कि तो एक काम करो आज माई क्या, चलो आज माई क्या धावा बोल दो मैंने कहा धावा क्या होता है तो मैंने कहा पहला पेशेंट मेरा इधर लालकुए साइड का है, फिर वैशाली, तो कह रही कोई बात नहीं आके धावा बोलेंगे, आज धावा ही बोलना है कैसे पापा से पूछ लेना तुम, चल लेंगे हम, तो ठीक है ना, पापा से पूछ लेना। तो चलो फिर आज शाम पापा को छोड़ चलेंगे हम, चले चले मम्मी को पता है पापा नगड़े दिखाएंगे जान में, तो तुम रहन दो तो पापा को छोड़ के और फिर चलेंगे। तो अब मैं देखे हूँ पेशेंट और बातें कर ली हमने बहुत, देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं। गाइज जा रही हूँ, तो जाते जाते आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि मंदिर जो है ना, उस स्टेयर्स से उतरते ही बिल्कुल सामने है, तो आप आओ और बाहर से आओ या आप ऊपर से आओ तो आपको सीधे भगवान जी के दर्शन होते हैं सामने। ये देखिए, और आज तो मैचिंग मैचिंग कर रखी है सब ने, और लड्डू गोपाल हैं ये, और आपको पता ही है, तो ये ड्रेस जन्माष्टमी पे बनवाई थी मम्मी ने, और काफ़ी अच्छी खिलती है भगवान जी के ऊपर, और पास से भी ना मतलब वैसी कढ़ाई वाला कपड़ा है, शाइन वाला, तो सुंदर लगती है। पर वीडियो में थोड़ा पता नहीं चल पाता, वरना थोड़ा मतलब कपड़ा पास ऐसे देखो ना कैमरे के बिना तो अच्छी लगती है ड्रेस। तो चलिए अब चलते हैं, मम्मी ने लाइट जला दी, चलते हैं और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो गाइज मैं आ गई थी घर और अभी लग रहा है ना सोए सोए सा चेहरा, मैं आके 4 बजे आई थी आके मैं, और मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लेते हैं फिर चलेंगे, और उस कमरे में प्रियांक और मम्मी भी लेटे थे, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर मैं भी लेट लेती हूँ फिर चलेंगे। मैं क्या हूँ, और मैं आके लेटी और कब सो गई मुझे नहीं पता चला।
मम्मी आई कि प्रियंका बारिश हो गई है, ने दाल सूख रही थी वहां पे, दाल उठवा दियो। और फिर क्या कह रही हो पास, उसे क्या राखी सावंत क्या कहती है, पासिंग शॉट मत दो, ये निकल के मत जाओ, बताओ पहले क्या कहना है। नहीं पाए बारिश की वजह से और बहुत तेज अभी बादल हो रहा है, बहुत तेज बादल हो रहा है, हमने नींद मारी और ये बारिश आ गई है। मम्मी कह रही है इधर दिखाओ, ये देखो कितना तगड़ा बादल हो गया है। तो इसीलिए हम, हमारा धावा आज के लिए ड्यू रहा, अब पता नहीं कब हम धावा करेंगे माई के यहाँ पे। बारिश आ गई ये देखो आप, और मैं तो तभी जगी, आज पता नहीं आंखें लग गई आने के बाद, और बस फिर तो फिर ही हो गया, अब इतनी लेट कौन ही जाएगा। और उधर प्रियांक तो अभी सो ही रहा है, इधर देखो कितनी ग्रीनरी है और बारिश वो रुकने का नाम नहीं है, उसको आना ही आना है, मतलब एक आध दिन छोड़ के बारिश ही है। बस अब शाम हो गई है, नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस ये देखिए शाम हो गई है और मम्मी पापा और प्रियांक तीनों नीचे उतर चुके हैं, और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, हवाएं चल रही हैं, आप देखो पेड़ हिल रहा है ना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे कहीं बारिश हुई हो। और शाम हो गई है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी खाने की तैयारी कर लूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ जवे बनाने के लिए, नमकीन जवे, तो ये अभी कच्चे हैं, इनको भून लेते हैं कढ़ाई में डाल के, तो मैं इनको डाल लेती हूँ और फटाफट से भून लेती हूँ। तो गाइज जवे हल्के से भुनने हो गए हैं और मैं इधर सारी तैयारी भी कर रही थी और लगभग होने ही लगी, इतने में पापा का फ़ोन आया, क्या बना रही हो, मैंने कहा जवे नमकीन, तो पापा ने, तो मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो अब जो बनना था, मतलब बने तो नहीं है, भुन के तो ये रख ही जाएंगे, ख़राब नहीं होते, अच्छी बात है, पर अब देखते हैं अब कुछ और ही बनेगा। और ये जो प्याज टमाटर ये तो सब्जी में यूज़ हो ही जाएंगे, इन्हें भून के रख देती हूँ, अब देखती हूँ पापा हैं और हम क्या बना, हे भगवान गिर गया, हम क्या बनाते हैं। तो चलिए रुकिए मेरे साथ, गड़बड़ हो गई। तो गाइज अभी फिर से वो जो प्लान चेंज हुआ था हमारा कि जवे नहीं बन रहा है, फिर से जवे बन रहे हैं, क्योंकि पापा के लिए टमाटर प्याज की चटनी रखी है, पापा उसके खा लेंगे, पापा जवे नहीं खा रहे। और ये मम्मी क्यों नहीं खा रहे, मम्मी बादी करते हैं ये, अच्छा जवे करते हैं बादी, तो हम तीनों को बादी कर लेंगे, पापा खा लेंगे रोटी आटा बन गया, हाँ परहेज से चलते हैं। तो इधर बन रही रोटी और इधर मैं छोंक रही हूँ जवे, तो अब छोंकते हैं जवे। पड़ गई हमारी हरी मिर्च प्याज, और इधर बचे हैं टमाटर, और ये आलू मटर, और ये प्रियांक शर्मा जी नीचे से ले आए हैं दूध, और ये रखा है गाय का दूध आता है, और इधर बन रही है पापा की हाथ की रोटी, तो अभी मैं इसे पलट दूँ। तो गाइस जवे बन गए हैं और प्रियांक शर्मा जी खा रहे हैं, क्या कल से पीला पीला बनना है, कल क्या पीला बना था, पीली होती है वो, तो हल्दी तो सब में ही पड़ती है, सब्जी भी तो होती है पीली। कैसे बने ये तो बता दे, जैसे बनते वैसे तो बता देना, अच्छे हैं कि नहीं बोल, अच्छा है, मिर्च दही डाल के खा ले,
चटनी मिला के और स्वादिष्ट बन गए। पापा ने बता दिया चटनी मिला के और स्वादिष्ट बन गए। मम्मी ने अभी खाए नहीं है, खाए थे, चेक कर ले, बस बढ़िया बने, बढ़िया बने। चलो तो अब खा ले। और पापा भी कह रहे हैं बढ़िया बने। मम्मी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, और तो अब जो है हम भी खा लें और फिर पता लगे, और फिर तो हो गया दिन खत्म, रात हो गई बस। तो चलिए चलते हैं ले लें।